गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आज हमारी समाजशास्त्र की क्लास में हम एक नए समाजशास्त्री के विचारों को समझेंगे, सामाजिक परिवर्तन का प्रौद्योगिकी सिद्धांत। सामाजिक परिवर्तन का प्रौद्योगिकी सिद्धांत एक अमेरिकन समाजशास्त्री जो कि अर्थशास्त्री थे, फॉस्टिन बेबलेन, इनका बनाया हुआ है। फॉस्टिन बेबलेन का सिद्धांत है। फॉस्टिन बेबलेन मूलतः नॉर्वे के एक साधारण परिवार में आपका जन्म हुआ था। 30 जुलाई 1857 को आपका जन्म हुआ था। परिवार बहुत ही साधारण था। माता पिता कारपेंट्री यानी बढ़ईगिरी का काम करते थे। काफ़ी बड़ा परिवार था। इनके परिवार में 12 संतानें थी, जिसमें चौथे नंबर के संतान फॉस्टिन बेबलेन थे। लेकिन नॉर्वे में जीवन यापन में परेशानी के कारण इनके पिताजी जो है, इनका पूरा का पूरा परिवार जो है 16 सितंबर 1847 को ही, यानी इनके जन्म के पहले ही, पूरा का पूरा परिवार अमेरिका शिफ्ट हो गया। अमेरिका में शिफ्ट होने के बाद फॉस्टिन बेबलेन की पढ़ाई अमेरिका ही से हुई और वो पढ़ाई के तहत वो अध्ययन अध्यापन में संलग्न रहे। यहाँ पे आपकी जो गिनती है अमेरिका में अर्थशास्त्री और समाजशास्त्री के रूप में की जाती है। आप पूंजीवाद के प्रखर आलोचक थे। कैपिटलिज्म की जितनी ज़्यादा आलोचना अगर थॉस्टिन बेबलेन ने की है, थॉस्टिन बुंडे बेबलेन ने की, उतनी किसी भी समाजशास्त्री ने नहीं करी है। आपने विशिष्ट उपभोग और विशिष्ट अवकाश, विशिष्ट उपभोग स्पेसिफिक कंजम्पशन एंड स्पेसिफिक डिजायर की अवधारणा को एक अपनी अध्ययन का मूल माना। येल विश्वविद्यालय में नोह पोर्टर, येल विश्वविद्यालय में आप जब अध्ययन कर रहे थे तब आपका संपर्क नोह पोर्टर और ग्राहक समनर से हुआ। और 72 वर्ष की आयु में कैलिफोर्निया में 3 अगस्त 1929 को आपकी मृत्यु हुई है। आपकी जो पुस्तकें हैं, प्रमुख पुस्तकें हैं जिसने आपको काफ़ी चर्चित किया, उसमें द थ्योरी ऑफ लेजर क्लास जो 1898 में आई थी, इसके बाद द थ्योरी ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस 1904 में आई, द हायर लर्निंग इन अमेरिका 1918 में आई, द वेस्टेड इंटरेस्ट एंड द कॉमन मैन 1919 में आई, द इंजीनियर एंड द प्राइस सिस्टम 1929 में आई। ऐसे और भी इनकी कई किताबें हैं। समाजशास्त्र में आपका प्रमुख योगदान जो है, आपने संस्थाओं की अवधारणा पे काम किया, विलासी वर्ग का सिद्धांत है आपका, बेबलेन थ्योरीज हैं, सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा आपने रखी, शिल्प कौशल की मूल प्रवृत्ति, ये इनकी थोड़ी थोड़ी जो समाजशास्त्रीय अवधारणाएं कहते हैं अपन, कंट्रीब्यूशन ऑफ सोशियोलॉजी, वो थॉस्टिन बेबलेन का। ये अभी हमने थॉस्टिन बुंडे बेबलेन का एक संक्षिप्त परिचय लिया। एक समाजशास्त्री अध्ययन के पहले हमको समाजशास्त्री के बारे में थोड़ी जानकारी होना चाहिए। आज हम इनके एक प्रमुख सिद्धांत, परिवर्तन का प्रौद्योगिकी सिद्धांत, थ्योरी ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंज हम पढ़ेंगे कि प्रौद्योगिकी से समाज में परिवर्तन कैसे होता है, प्रौद्योगिकी जो है समाज में परिवर्तन के लिए किस प्रकार से जिम्मेदार है, आज इसकी अपन यहाँ पे चर्चा करेंगे। सामाजिक परिवर्तन हम सभी जानते हैं एक जटिल सार्वभौमिक घटना है। सामाजिक परिवर्तन एक जटिल सार्वभौमिक घटना है और ये हर समाज में निरंतर चलती रहती है। ऐसा कोई भी समाज नहीं है जिसमें परिवर्तन ना हो। परिवर्तन को थॉस्टिन बेबलेन ने कुछ उसके क्रम को आइडेंटिफाई किया, उन्हें क्रम बताया। वो कहते हैं कि 16वीं शताब्दी को अगर अपन देखें तो उसमें चक्री सिद्धांत था परिवर्तन का, जिसके प्रणेता जॉन बॉडिन थे। 18वीं शताब्दी में ये प्रगति को ने, प्रोग्रेस को ने सामाजिक परिवर्तन किया, इसके प्रणेता थे सेंटर साइमन और लॉक। अब इसके बाद जो आपकी 19वीं शताब्दी है, 19वीं शताब्दी में परिवर्तन के लिए वो कहते हैं विकासवादी व्यवस्था, सामाजिक परिवर्तन के लिए विकासवादी व्यवस्था को उन्होंने आधार माना और इसके प्रवर्तक थे, इसके प्रणेता थे समाजशास्त्री हार्वर्ड स्पेंसर। ये उन्होंने क्रम बताया है। अब इसके बाद सामाजिक परिवर्तन की जब बात करते हैं तो उसमें उन्होंने कुछ अलग अलग बताया कि सामाजिक परिवर्तन के अलग अलग विचारकों के द्वारा अलग अलग सिद्धांत हैं जिसको उन्होंने क्रम में रखा, जिसको अपन यहाँ पर रखते हैं। पहला डेवलपमेंट थ्योरी, विकासवादी सिद्धांत,
जो विकासवादी सिद्धांत है, डेवलपमेंट थ्योरीज है, इसके प्रवर्तक हैं स्पेंसर, मॉर्गन, हब हाउस। इसके प्रवर्तक स्पेंसर, हब हाउस और मॉर्गन है। दूसरा है निर्धारणवादी सिद्धांत, डिटर्मिनिस्ट थ्योरी। इसके समर्थक या इसके प्रवर्तक जो हैं वो हैं प्रख्यात समाजशास्त्री कार्ल मार्क्स। तीसरा प्रकारात्मक सिद्धांत है, फंक्शनल थ्योरी। इसको हम सभी जानते हैं कि फंक्शनल थ्योरी में इनके प्रवर्तक दुर्कीम, पार्सन, मेलोंस्की हैं। चौथा चक्री सिद्धांत, साइक्लिक थ्योरी। इसके जो प्रवर्तक हैं टाइनबी हैं, सोरोकिन हैं, ये इसके प्रवर्तक हैं। फिर आता प्रौद्योगिकी सिद्धांत, टेक्नोलॉजिकल थ्योरी। इसके जो हैं वो हैं आपके वेबर और बेबलिन। तो अलग अलग प्रकार से अपन देख रहे हैं विद्वानों ने समाज को क्या कहा। सामाजिक परिवर्तन के लिए सबने अपने अपने अलग अलग आइडियाज रखे हैं। सामाजिक परिवर्तन के जो विद्वानों ने कारक बताए हैं कि जिन कारकों से, जिन फैक्टर से होता है, उसमें जैविकी है, बायोलॉजिकल, जनसंख्यात्मक, पॉपुलेशनात्मक, आर्थिक, इकोनॉमिक फैक्टर है, प्रौद्योगिकी है, टेक्नोलॉजिक है, सांस्कृतिक कल्चरल है, राजनीतिक है, पॉलिटिकल, व्यक्तित्व पर्सनैलिटी और प्राकृतिक नेचुरल फैक्टर। ये अलग अलग प्रकार से कारक बताए हैं लोगों ने, विभिन्न समाजशास्त्रियों ने, कि इन इन कारकों से समाज में बदलाव आता है। अब मेन चीज क्या है, सामाजिक परिवर्तन है क्या? सामाजिक परिवर्तन एक सार्वभौमिक, जटिल और सार्वभौमिक घटना है। इसमें होता क्या है, कोइनिंग कहते हैं कि वास्तव में सामाजिक परिवर्तन लोगों के जीवन प्रतिमान, हमारे जो जीवन प्रतिमान में घटित होने वाले जो रूपांतरण होता है ना, उसको उसने कहा कैनिंग ने, ये सामाजिक परिवर्तन है। जो हमारा जीवन चल रहा है, जैसे आज अभी एक महीने से हमारा जीवन एक वायरस के कारण परिवर्तित हो गया, ये जीवन प्रतिमान में वो घटित होने वाले अंतर आ गए हमारे। आप इसको देखेंगे, मार्च के पहले का जीवन और अभी का जीवन काफी अंतर मिलेगा। ये वो कहता है कि इसमें परिवर्तन हुआ। जेनसन कहते हैं व्यक्ति के कार्य करने, विचार करने के ढंगों, व्यक्ति के कार्य करने, विचार करने के ढंगों में होने वाले रूपांतरण को, जेनसन ने व्यक्ति के कार्य करने, विचार करने के ढंगों में होने वाले परिवर्तनों को सामाजिक परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया। अब एक और समाजशास्त्री को अपन देखते हैं, किंग्सले डेविस। किंग्सले डेविस कहते हैं सामाजिक परिवर्तन से आशय या सामाजिक परिवर्तन से अभिप्राय उन परिवर्तनों से है जो सामाजिक संगठन या संरचना और प्रकार में उत्पन्न होते हैं। यानी जब किसी संगठन में, किसी संरचना में या उस संगठन संरचना के होने वाले फंक्शन में, प्रकारों में अगर कोई बदलाव आता है तो किंग्सले डेविस कहते हैं ये सामाजिक परिवर्तन है। अब बेबलिन ने जो अपनी धारणा दी है, बेबलिन कहता है ये सारे कारक तो ठीक हैं, लेकिन बेबलिन की एक खासियत है, जिस तरह से कार्ल मार्क्स ने सामाजिक परिवर्तन के लिए सिर्फ आर्थिक कारकों की जिम्मेदार बताया, कार्ल मार्क्स ने कहीं किसी से समझौता नहीं किया। कार्ल मार्क्स कहते नहीं, आर्थिक परिवर्तन ही समाज में परिवर्तन लाते हैं। ठीक उसी प्रकार से थॉस्टिन बेबलिन जो थे, उनने साफ कहा कि समाज में जो भी परिवर्तन आता है वो टेक्नोलॉजी, तकनीक, हम जो तकनीक का प्रयोग करते हैं, जब वो तकनीक बदलती है तो तकनीक के बदलने से समाज में परिवर्तन होता है। इसके लिए उन्होंने बताया कि टेक्नोलॉजी ही मेन फैक्टर है सोशल चेंज के लिए, सामाजिक परिवर्तन के लिए सिर्फ एकमात्र कारक प्रौद्योगिकी है। वो कहते हैं कि भौतिक परिस्थितियां या भौतिक परिवर्तन, पर्यावरण जो हमारा है, फिजिकल एनवायरनमेंट जो है, इसमें तो सदैव परिवर्तन होता रहता है, और इस परिवर्तन का प्रभाव क्या होता है, हमारी आदतों और व्यवहारों पर पड़ता है। जो भी एनवायरमेंटल चेंज होता है, परिवर्तन होता है, उससे हमारी आदत, हमारे व्यवहार बदलते हैं, और ये जो हमारी आदत और व्यवहार हैं ये वास्तव में मानव की जीविका कमाने की प्रवृत्ति है। आपने देखा होगा ठंड के सीजन में और गर्मी के सीजन में लोगों के जीविकोपार्जन के साधन बदल जाते हैं। गर्मी में गन्ने के ठेले लग जाते हैं, गन्ने का रस पिलाया जाता है, आइसक्रीम की बिक्री बढ़ जाती है। अब आप ठंड में जाइए, इसके उल्टा, ठंड में चटपटे खाने के व्यंजन बढ़ जाते हैं, चाट वगैरह की दुकान, वहाँ पर गन्ने का रस कम हो जाता है, वहाँ गन्ने का रस कम हो जाता है, वहाँ कॉफ़ी और चाय का कल्चर बढ़ जाता है। तो मौसम में बदलाव से आपने देखा ना कि जीविकोपार्जन के साधन बदल गए, लोगों ने एक बार दूसरे साधन लिए, एक बार दूसरे साधन लिए। अब आप देखेंगे बरसात के सीजन में भुट्टे का चलन खूब होता है, भुट्टा खूब खाया जाता है, गर्म रहता है
और बारिश के दौर में खड़े होकर लोग भुट्टा खा रहे हैं, लेकिन गर्मी में भुट्टा कोई नहीं खाता। मिलता है आजकल, हर सीजन में मिलते हैं, लेकिन खाता नहीं। ये कहते हैं कि वास्तव में जब भी कोई परिवर्तन होता है भौतिक परिस्थितियों में, है ना, हमारी फिजिकल सिचुएशन में जब परिवर्तन होता है, तो उस परिवर्तन से मनुष्य के विचार, सामाजिक संबंध, संस्कृति, समुदाय सबको वैसे ही बनना पड़ता है। और इसलिए वो कहता है कि प्रौद्योगिकी जो है, मनुष्य क्या करता है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, जीव के उपार्जन के साधन के लिए हमेशा प्रवृत्ति में बदलता रहता है। जैसी आदत होती है वैसे ही हमारे विचार बन जाते हैं। वो कहता है कि मनुष्य जो सोचता है, जैसा करता है, वैसा ही वो अन्वय करता है और वैसे ही सोचने लगता है। तो यहाँ उसने कहा कि वास्तव में परिवर्तन के लिए उसने एक चार्ट दिया कि सामाजिक परिवर्तन का क्रम उसने बताया। पहला, कार्य की मूल प्रवृत्ति, बेसिक हैबिट ऑफ वर्क। दूसरा कहता है प्रौद्योगिकी परिवर्तन और नवीन प्रविधियों का आविष्कार, यानी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस एंड इन्वेंशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। फिर कहता है तीसरा स्टेप आता है भौतिक पर्यावरण में परिवर्तन, चेंजेस इन फिजिकल एनवायरनमेंट। फिर कहता है आदत और विचारों में परिवर्तन, चेंजेस इन हैबिट्स एंड थॉट। और फिर इन सबका प्रभाव पड़ता है चेंजेस इन सोशल स्ट्रक्चर, यानी व्यक्ति के जो कार्य करने की मूल प्रवृत्ति है ये करीब करीब स्थिर रहती है, लेकिन समाज में जो भौतिक परिस्थितियां होती हैं वो उनके प्रेरित होने से, उनके बदलने से हमारी मूल प्रवृत्तियां बदल जाती हैं। अब भौतिक परिस्थितियों में जब परिवर्तन होता है तो वो ढांचे को बदलने लगता है, ढांचे में बदलाव आने लगता है, ढांचा हमारा बदलने लगता है। इसलिए बेबलन ने कहा है कि जब भी टेक्नोलॉजी हमेशा जो है जीवन के साधन के, हमारे टेक्नोलॉजी जो है, प्रविधियां जो है, हमेशा एक सी नहीं रहती। कार्य की पूर्णता, कि हम अपने कार्य को पूर्ण कैसे करें, इसके लिए हम टेक्नोलॉजी को डेवलप करते हैं। हमको कार्य करना है ना, तो उस कार्य की पूर्णता के लिए हम टेक्नोलॉजी को डेवलप करते हैं। जीवकोपार्जन के लिए जैसी जैसी प्रौद्योगिकी मनुष्य बनाता जाता है, वैसी वैसी उसकी आदतें भी बनती जाती हैं। टेक्नोलॉजी के कारण जैसी हम टेक्नोलॉजी रखेंगे वैसी हमारी आदतें बनेंगी। अब आपको उसको उसने तीन प्रकार से बताया। जब आर्थिक क्षेत्र है, इकोनॉमिक स्टेट में आप देखिए, जमींदारों का आधिपत्य था, दासों पे जमींदार थे। फिर धार्मिक क्षेत्र में देखिए आप, पुरोहित, पादरी, इनका व्यक्तिगत सत्ता पे बोलबाला था। औद्योगिक क्षेत्र आया तो इसमें मशीन की सत्ता, अब देखिए सत्ता बदल गई ना। जब आर्थिक क्षेत्र जब चलता था, गुलामी वाला प्रथा, तब जमींदारों का आधिपत्य था। फिर धार्मिक क्षेत्र में अगर अपन देखते हैं समाज को, तो पुरोहित पादरी का था। अब आज औद्योगिक क्षेत्र में देखते हैं ये सब एक किनारे पे, आज मशीन की सत्ता चल रही है। तो आज ये जो है, बेबलिन ने कहा, प्रौद्योगिकी ने उसने जो बताया कि यंत्रीकरण हो रहा है, आज आधुनिक समाज यंत्रों से कराओ, पहले यंत्र नहीं थे, पहले हाथ से काम होता था तो लोगों के पास पर्याप्त समय था, मिलते जुलते थे, लेकिन मशीनीकरण ने क्या करा, समाज से अपनापन, आत्मीयता, त्याग, इन सभी को इकोनॉमिक में डाल दिया। आज मशीन जैसे निरपेक्ष भाव से काम करती है, मशीन किसी से मिलती जुलती नहीं, मशीन निरपेक्ष होती है, ठीक इसी प्रकार से व्यक्ति भी निरपेक्ष हो गया है। आज हमारे लिए आल्पिन से लेके, है ना, वायुवान तक सभी कुछ कारखाने में निर्मित हो रहा है, मशीन बना रही है। तो हमारे सारी पारिवारिक संरचना, हमारे कार्य की पद्धति, हमारे सोच विचार, सब कुछ हमारे बदल गया। आज हम हर चीज़ का, जैसे मैं कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाने की सैलरी मिल रही है ना, हर काम का हमको पैसा, मतलब हर चीज़ बिकाऊ हो गई है। यंत्रीकरण हुआ ना, यंत्रीकरण के कारण सब चीज़ बिकाऊ हो गई। खेती की आधुनिक प्रविधियां आ गई हैं, आपने देखा होगा पहले खेती सब हाथ से होती थी तो कम उत्पादन होता था, लेकिन आज खेती में अधिक से अधिक किसान जो है यंत्रों का प्रयोग कर रहा है। अभी लॉकडाउन पीरियड में बहुत लंबे समय से लोगों ने कटाई, गेहूं की कटाई होना है, लेकिन हार्वेस्टर से कटाई होती है और लॉकडाउन पीरियड है, हार्वेस्टर नहीं पहुँच पा रहे हैं, प्रतिबंधित है एक स्थान से दूसरे स्थान के जाने, अधिकतर हार्वेस्टर पंजाब से आते हैं। तो मध्य प्रदेश में आप सोचिए, वही मजदूर थे गांव में, उनको प्रतिबंधित नहीं किया गया था, लेकिन उन्होंने अपने खेत की कटाई नहीं करी। लेकिन आज से 20 साल पहले वो किसान खुद अपने खेत की कटाई कर लेते थे, लेकिन आज डिपेंड है वो किस पे, हार्वेस्टर पे। यानी ये जो है खेती का आधुनिकीकरण हुआ, आधुनिक प्रवृत्ति खेती में आई, इसने हमारी डिपेंडेंसी मशीनों पर बढ़ा दी। ये सामाजिक परिवर्तन है। दूसरा, यातायात के साधन, आज हम कहीं भी पैदल नहीं, पहले लोग एक गांव से दूसरे गांव पैदल चले जाते थे, आज हम क्या है, फास्टेस्ट रूट अपना रहे हैं। पहले हम बस में चलते थे, फिर रेल में चलते, फिर रेल में भी हमने एसी में चलना शुरू करा, फिर उसके बाद प्लेन से जाने लगे। आज हमारे बच्चे एक स्थान से दूसरे स्थान इंटरव्यू देने के लिए, आने जाने के लिए प्लेन का उपयोग करते हैं। हम जब पढ़ते थे हम पैसेंजर में जाते थे, बिना
रिजर्वेशन के जाते थे, आजकल बच्चे नहीं, तो ये एक परिवर्तन है। संचार के बहुत से साधन आ गए, पहले कोई संचार के साधन नहीं थे, एक आकाशवाणी थी, फिर दूरदर्शन आया, अब आप देखिए आपके मोबाइल है, टेलीफोन है, मोबाइल, अखबार, इंटरनेट, ढेरों साधन आ गए। तो प्रौद्योगिकी ज्ञान जो है जैसे जैसे बढ़ता है वो सामाजिक परिवर्तन को का एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। इससे फायदा क्या हुआ, इससे हमारी जीवन शैली बदल गई, श्रम की उत्पादकता में वृद्धि हुई, नए नए रोजगार विकसित हुए, पुरानी बंद सामाजिक व्यवस्था में नए पेशेवर और एक नई खुली वर्ग व्यवस्था आ गई, समाज से अंधविश्वासों का नाश हुआ। हानि भी है, जैसे संगठन जो है हमारा प्रभावित हुआ है, प्रौद्योगिकी से संगठन प्रभावित हुए, पारिवारिक कार्यों जो हम घर में करते थे वो मशीनें कर रही हैं, किचन हमारा पूरा अप्लायंस बेस्ड हो गया है, संचार साधनों ने अभी जरूर दूरियां कम कर दी हैं, लेकिन एक समय संचार साधनों के कारण हमारे यहाँ पारिवारिक जो है ना वो संबंध दूर हो गए थे। सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, उसने फिजिकल डिस्टेंसिंग करी थी सामाजिक संचार साधनों ने। प्रौद्योगिकी के कारण बेरोजगारी भी बढ़ी है, ये उसने सामाजिक परिवर्तन की एक रूपरेखा था कि थॉस्टिन बेबलेन ने, लेकिन इसके सिद्धांत को वो तो कहता था कि समाज में परिवर्तन सिर्फ प्रौद्योगिकी आती है इसके अलावा नहीं, लेकिन इसकी आलोचना भी है। बेबलेन की विभिन्न समाजशास्त्री कहते हैं एकांगी सिंगल व्याख्या है, इसने कई महत्वपूर्ण पक्षों की अनदेखी की है। प्रौद्योगिकी परिवर्तन जो है वो तो व्यक्ति की आदत विचार का एकमात्र कारण नहीं है, बहुत से कारण है जिससे व्यक्ति की आदतें और विचार बदलते हैं। बेबलेन ने प्रौद्योगिकी को तो स्पष्ट किया, उसने ऐतिहासिक तथ्य लिए हैं, लेकिन वो इन ऐतिहासिक तथ्यों के वैज्ञानिकता को नहीं बता रहा है। दूसरी चीज, इसकी जो आलोचना हुई है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि प्रौद्योगिकी निर्धारणवाद जो है, थॉस्टिन बेबलेन का जो सामाजिक परिवर्तन का प्रौद्योगिकी निर्धारणवाद का सिद्धांत है, ये वास्तव में आज भी महत्वपूर्ण सिद्धांत है, और आज इस लॉकडाउन पीरियड में आप देखेंगे ये बहुत कुछ सही हो रहा है। इस थॉस्टिन बेबलेन के सिद्धांत के लिए अगर आप और डिटेल में जाना चाहते हैं तो शिवलाल अग्रवाल एंड कंपनी आगरा से मेरी बीए पाठ्यक्रम बीए फाइनल की यूनिफाइड समाजशास्त्र की बुक है जो, उसमें आपको सिद्धांत काफ़ी विस्तृत रूप से मिलेगा। आप और डिटेल अध्ययन के लिए उस किताब का भी ध्यान दे सकते हैं, उस किताब का भी उपयोग कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही।